एक मशहूर डॉक्टर से मुलाकात। मैंने पूछा कि अच्छी सेहत का राज क्या है। कहने लगे बस बीमार ना पड़ो। मैंने कहा कि ये तो हमारे बस में नहीं है। हंसते हुए कहने लगे बिल्कुल है। मैंने कहा आप बताइए, मैं बिल्कुल अमल करूंगा। वो मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहने लगे कि मुंह में कभी भी कोई चीज बिस्मिल्लाह के बगैर ना डालना, चाहे पानी का कतरा हो या चने का दाना। मैं खामोश हो गया। फिर कहने लगे कि अल्लाह ने कोई भी चीज बेमकसद और बिला वजह नहीं बनाई है। हर चीज में हिकमत है और इसमें फायदे और नुकसान दोनों पोशीदा हैं। जब हम कोई भी चीज बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालते हैं तो अल्लाह इसमें से नुकसान निकाल देता है। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ पियो और दिल में बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, कभी बीमार ना पड़ोगे। मेरी आंखें तर हो चुकी थी ये सोचकर कि ये कितना बड़ा आलिम है। देर हो रही थी, मैं सलाम करके उठने लगा तो वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि खाने के हवाले से आखिरी बात भी सुनते जाओ। मैं जी कहकर बैठ गया। कहने लगे अगर किसी के साथ बैठकर खाना खा रहे हो तो कभी भूल कर भी पहल ना किया करो। चाहे कितनी भी भूख लगी हो, पहले सामने वाले की प्लेट में डालो। जब तक वो अपने मुंह में लुकमा ना रख ले तुम शुरू ना किया करो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसका फायदा पूछूं, लेकिन वो खुद ही बताने लगे, तुम्हारे खाने का सदका अदा हो गया और साथ ही अल्लाह भी राजी हुआ कि तुमने पहले उसके बंदे का ख्याल किया। याद रखो, खाना जिस्म की और बिस्मिल्लाह रूह की गिज़ा है। अब बताओ तुम ऐसे खाने से बीमार पड़ सकते हो? मैं बेसाख्ता उनके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर तेजी से जाने के लिए मुड़ा और ये सोचने लगा कि दीन की इन छोटी छोटी बातों से हम और हमारे माशरे के लोग कितने महरूम हैं।